संजू बाबा यानी कि संजय दत्त जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही बदनाम रहे हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रोवर्सी कई तरह की अक्सर ही सामने आती रही है। उनके फिल्मी करियर में उनसे तमाम कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी रही, चाहे वो उनके जेल जाने को लेकर हो, आतंकवाद से जुड़ा उनका नाम हो, तो या फिर यहाँ उनके ड्रग्स की बुरी लत ही क्यों ना हो। कई बार वो फिल्म के सेट पर इसी हाल में पहुंच जाया करते थे जिस वजह से अदाकाराओं के साथ उनकी बदतमीजी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आया करती थी। आज अपनी इस रिपोर्ट में संजय दत्त से जुड़ी पांच बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हम आपको बताने जा रहे हैं जहां वो पूरी तरीके से बदतमीजी करते हुए देखे गए फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ और उनका मन इस तरह से बह गया कि वो उस पर कंट्रोल रख ही नहीं पाए। उनकी पहली कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हुई है टीना मुनीम के साथ जो कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, टीना मुनीम के साथ वो संजय दत्त की शादी की बात भी पक्की हो गई थी, लेकिन ये उस दौरान की बात है जब ड्रग्स की आदत संजय दत्त को लगी ही थी। वो इस तरह से नशे में डूबे रहते थे कि टीना मुनीम के साथ उन्होंने बदतमीजी शुरू की। टीना मुनीम ने उनके साथ रिश्ता तोड़ा और उसके बाद उनका एक बोल्ड फोटोशूट सामने आया राजेश खन्ना के साथ, जहां राजेश खन्ना सिर्फ लुंगी पहने हुए नजर आए और एक टॉवल लपेटी हुई देखी गई टीना मुनीम। ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड तस्वीर थी जिस बात को देखकर, फोटो को देखकर संजय अपना आपा खो बैठे और पिस्टल लेकर पहुंच गए इन दोनों को धमकी देते हुए। शूटिंग के सेट पर इन दोनों के साथ बदतमीजी करते हुए संजय दत्त सामने आए, जहां गाली गलौज भी खूब हुई और मारने की धमकी भी खूब सामने आई। ये बात बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन संजय दत्त को उनके परिवार ने संभाल लिया, जिसके बाद टीना के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। वेल, देखा जाए तो संजय दत्त अपने फिल्म के सेट पर काफी अदाकाराओं के साथ बदतमीजी करते हुए उसके बाद भी काफी बार सामने आए। वो ड्रग्स की हालत में, नशे की हालत में अक्सर ही फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे। ये फिल्म थी विधाता जब पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ यहाँ पर मौके की फिराक में रहते थे संजय दत्त, ताकि वो उनके साथ करीब आने लगे। ये बातें पद्मिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। विधाता के डायरेक्टर सुभाष गई के साथ पद्मिनी ने इस बात को लेकर यहाँ डिस्कशन भी रखा और तो वही इसी के साथ कंप्लेन जब ये आगे बढ़ने लगी संजय दत्त की, तो संजय को सुभाष घई ने काफी कुछ सुना दिया। लेकिन संजय दत्त इस वजह से गुस्से में आ गए थे जहां मौके की फिराक में संजय दत्त एक चाकू लेकर पद्मिनी कोल्हापुरी के पास चले गए उन्हें धमकी देते हुए। संजय दत्त को धक्का मारकर पद्मिनी उसे दूर भाग रही थी और काफी दूर तक संजय उनके पीछे भागते रहे, उन्हें खूब डराते हुए देखे गए, जिस वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी संजय दत्त के साथ इस कॉन्ट्रोवर्सी में जुड़ गई और उसके बाद कभी ने काम करता हुआ देखा नहीं गया। वेल, ऐसा ही नाम आता है मंदाकिनी का भी। मंदाकिनी के साथ भी बदतमीजी करते हुए पाए जा चुके हैं संजय दत्त। फिल्म के सेट पर मंदाकिनी के साथ उनके कभी भी अगर बोल्ड सीन रखे जाते थे, कुछ रोमांटिक सीन रखे जाते थे, तो उनका मन बहक जाता था। संजय दत्त जब मंदाकिनी के ज्यादा करीब आते थे तो मंदाकिनी उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश करती थी। अब फिल्म की शूटिंग के दौरान तो अपनी हदों को इस तरह वो पार नहीं कर पाए, लेकिन जब भी संजय दत्त को मौका मिलता तो वो मंदाकिनी के कमरे में चले जाते। एक बार की बात है जब संजय अपनी सारी हदों को भूल बैठे थे और मंदाकिनी इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उन्होंने खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और संजय दत्त इस बात से डर गए, जहां उन्होंने भागने की ही सही समझी और वो वहां से जब भागे तो मंदाकिनी ने फिल्म को करने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन संजय दत्त को उनसे माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हदों को भूल नहीं पाए। ऐसे में श्रीदेवी का नाम भी इस लिस्ट से जुड़ जाता है। श्रीदेवी के साथ भी बदतमीजी कई बार कर चुके हैं संजय दत्त। श्रीदेवी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो संजय दत्त पहले से ही बड़ा नाम बन चुके थे। श्रीदेवी के चर्चे हर जगह चल रहे थे क्योंकि उनकी अदाकारी सबसे ज्यादा खास थी और हर कोई उन्हें खूब पसंद कर रहा था। संजय दत्त भी उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उनकी नीयत कुछ और ही थी। यहाँ श्रीदेवी के साथ मौके की फिराक को लेते हुए संजय दत्त कई बार उनके साथ बदतमीजी करते हुए देखे गए। ये बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि संजय दत्त के वजह से श्रीदेवी पूरी तरह से परेशान होकर सभी के सामने कसम खाती हुई नजर आई थी कि वो आज के बाद कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। यहाँ संजय दत्त के साथ उनकी एक फिल्म भी सामने आई थी, लेकिन काफी सालों बाद, जहाँ श्रीदेवी ने फिल्म को करने के लिए शर्त ये सामने रखी कि वो
संजय दत्त के साथ कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगी। फिल्म के अंदर भले ही संजय और श्रीदेवी थे, लेकिन इनका आमने सामने कोई भी सीन रखा नहीं गया था श्रीदेवी के कहने पर। लेकिन फिल्म की डिमांड पर इस फिल्म के एंड में भले ही इन दोनों को आमने सामने दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद श्रीदेवी और संजय कभी भी एक दूसरे के साथ सामने नहीं आए। और आखिरी नाम आता है अमीषा पटेल का। अमीषा पटेल के साथ भी बदतमीजी कर चुके हैं संजय दत्त। ये बात है डेविड धवन और वरुण धवन के भाई रोहित धवन की इंगेजमेंट सेरेमनी की, जो कि गोवा में रखी गई थी। यहाँ पर बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचे थे, अमीषा पटेल भी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने हद से ज्यादा बोल्ड और टाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें काफी कुछ रिवीलिंग था। संजय दत्त यहाँ हमेशा ही नशे की हालत में चूर रहते थे, जिस वजह से उनका मन पूरी तरह से बह गया। नीयत उनकी इस तरह से बहकी कि सभी के सामने वो साड़ी को खींचते हुए देखे गए अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संजय दत्त बिल्कुल भी नहीं रुक पाए और यहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा इस सेरेमनी में बन गया। वह संजय दत्त की कॉन्ट्रोवर्सी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुकी है, जो अक्सर ही सुर्खियां बटोरती हुई देखी गई है। वह संजय दत्त की इन हरकतों को लेकर आप सभी का क्या कहना है, ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। क्योंकि आज भले ही संजय दत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर चुके हो, लेकिन जिन एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, वो सालों तक संजय की इस बदतमीजी को कभी भूल नहीं पाएंगी और ना ही भूल चुकी होंगी। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।